आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि लोग पुलिस से काफ़ी डरते हैं, पुलिस भी बिना रूल्स फॉलो किए किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार कर लेती है और उसको काफ़ी लंबे समय तक हिरासत में रखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको आपके राइट्स पता नहीं होते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे राइट्स जो अगर आपको पता होंगे तो आप पुलिस से कभी नहीं डरेंगे और पुलिस भी आपका मिसयूज़ नहीं कर सकती। जब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है तो सबसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आजकल ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि पुलिस बिना कोई कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप उनसे पता करें कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 46(1) के तहत महिला को सिर्फ महिला ही गिरफ्तार कर सकती हैं। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 के तहत किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस बीच पुलिस को किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन उनको लेनी होगी। नॉन कॉन्ग्रिजिबल ऑफेंस के मामले में वारंट देखने का अधिकार। अगर नॉन कॉन्ग्रिजिबल मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपके पास वारंट देखने का अधिकार है, जबकि कॉन्ग्रिजिबल ऑफेंस में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 41(b) के तहत अरेस्ट मेमो बनवाने का अधिकार। पुलिस आपको अरेस्ट करती है तब आपके पास एक राइट होता है, आप मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनवाएं। ये एक मेमो होता है जिसमें पुलिस को लिखना होता है कि पुलिस ने आपको किस जगह से गिरफ्तार किया है और जिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है उसकी रैंक क्या है और किस लिए गिरफ्तारी आपकी हुई है। साथ ही उस पर किसी फैमिली मेंबर या मोहल्ले के किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के सिग्नेचर कराने होते हैं। जिस पर्सन को गिरफ्तार किया है उसके भी मेमो पर सिग्नेचर कराए जाते हैं। आजकल ये भी बहुत कम देखने को मिलता है कि अरेस्ट मेमो बनवाया ही नहीं जाता, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप पुलिस को कहिए कि वो अरेस्ट मेमो तैयार करे और उसे आप पूरी डिटेल्स डलवाइए। सीआरपीसी सेक्शन 50A के तहत पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या रिलेटिव्स को सूचना देनी होती है। पुलिस ने अगर आपको कहीं बाहर से अरेस्ट किया है या आपको घर से अरेस्ट किया है और वहाँ पर कोई फैमिली या रिलेटिव्स नहीं था तो बाद में पुलिस को आपके फैमिली या रिलेटिव्स को गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी कि आपको गिरफ्तार किया गया है और आप इस थाने में हैं। सीआरपीसी सेक्शन 41(d) के तहत गिरफ्तार हुए पर्सन को इंट्रोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार है। पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर लेती है तो ये आपका अधिकार है कि आप पुलिस से कहें कि मुझे अपने वकील से मिलना है और वकील के मिलने से पहले तक मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करे पर्सन के वकील को लाया जाए या पुलिस खुद वकील को इन्फॉर्म करे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने आपको बुलाया है। सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत गिरफ्तार किए गए पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना है तो सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और परमिशन लेने के बाद ही 24 घंटे से ज़्यादा उसको हिरासत में रखा जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 56 के तहत पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए पर्सन की रिक्वेस्ट पर उसका मेडिकल टेस्ट कराना होगा। जैसे ही आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको ये डिमांड करनी चाहिए पुलिस से कि आपका मेडिकल कराया जाए। आप कुछ भी बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी है या ये प्रॉब्लम है, तो पुलिस की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो आपका मेडिकल कराए। इसके बाद जब आपको कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसके पहले भी आपका मेडिकल कराया जाता है, तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि पुलिस आपके साथ मारपीट नहीं करेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के टाइम ही अगर आपका मेडिकल हो गया तो उसके बाद कोर्ट जाते समय जब आपका मेडिकल होगा अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करेगी तो उस मेडिकल में वो चोटें आ जाएंगी। तो इसलिए
आप पहले ही मेडिकल करा लेंगे तो पुलिस आपके साथ ऐसी कोई मारपीट नहीं करेगी जिससे आपको चोट आए। दोस्तों, ये थे ऐसे कुछ राइट्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हर भारतीय को ये राइट्स जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि पुलिस आपका मिसयूज ना कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।